नमस्कार दोस्तों, मैं विजेता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपने अपने काम में व्यस्त हैं। नैनीताल झीलों का शहर है। मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारों का दर्शन कराना चाहती हूँ। नैनीताल को झीलों का शहर कहा जाता है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे जगह आए हैं जो पहाड़ों पर स्थित हो और हर तरफ से झीलों से घिरा हो। बर्फ से ढके पहाड़ जो आपको प्राकृतिक सौंदर्य में सरोबर कर देंगे। नैनीताल दार्शनिक स्थल है। आपको पता है ये इतना सुंदर निवास स्थान है मेरा। इतना खूबसूरत नज़ारा शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा। झीलों से जो सरसराहट सी आवाज़ आती है ना, वो आप अगर आप सुनोगे ना, आपको ऐसा एहसास होगा सुकून का। आपके आँखों को ऐसा सुकून मिलेगा। ताजी सरसराती हवा जब आपके चेहरों को छू कर गुजरेगी, तब मन में ऐसा सुकून मिलेगा, वह ताजगी का एहसास कर पाएंगे आप। आइए चलते हैं नैनीताल का भ्रमण या दर्शन करने के लिए, जहां ना केवल आनंद और उत्साह मिलेगा, हर प्रकार की खूबसूरती आपके मिलेगी। रात अलग अलग पहाड़ों की चोटियों से घिरा हुआ यह झील कुमाऊं क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध झील है। आपको पता है यहाँ ये खूबसूरती को देखने के लिए लोग यहाँ घूमने के लिए अक्सर या पिकनिक मनाने के लिए भी यहाँ आते हैं। यह नैनीताल जो नैनी झील, ये जो झील है नैनी झील के नाम से भी जाना जाता है। यह इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, आप नौका व्यवहार नौका में भी बैठ सकते हैं। वो नौका मीन्स बोटिंग भी कर सकते हो। और इतना सुंदर है, आपके मन में इतनी खुशी होगी यहाँ आकर कि आप महसूस करेंगे कि आप ऐसे सुकून की ज़िंदगी में पहुँच गए। अगर आप मेट्रो सिटी के हैं और अगर किसी महानगर से आए हैं, तो आप यहाँ आकर आपको इतना शांति मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी, और आपको ऐसा लगेगा यहाँ से जाए नहीं। इस नज़ारे को देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। देखिए कितना प्यारा, कितना प्यारा नज़ारा, जहाँ बैठकर आप खूब सारे समय निकाल सकते हैं अपने साथियों के साथ। आपको पता है शाम के समय ढलता सूरज को अगर आप देखोगे, उसका लालिमा को देखोगे, अगर आपको देखने को मिलता है शाम के वक्त, आप ऐसा सौंदर्य का वातावरण का महसूस करेंगे, जहां आपको ऐसा खुशी मिलेगी शाम के समय। अगर आप यहां नैनी झील घूमने आते हैं, आपको ऐसा खुशी का एहसास होगा मन में। इसी के पास एक नैनी मंदिर, नैनी देवी मंदिर भी है, जिसे हम नैना देवी मंदिर कहते हैं। अगर आप यहाँ का मात्र दर्शन भी कर लेंगे ना, आपके जो मनोकामना है ना, पूरा हो जाएगा। इसलिए अगर आप यहाँ घूमने आते हैं नैनीताल, नैनी झील और नैना देवी का मंदिर का दर्शन कीजिए, मन में इतनी शांति महसूस होगी, इतनी शांति महसूस होगी। दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, आपको इतनी शांति कहीं महसूस नहीं होगी। मैं तो ऐसे कहती हूँ जैसे मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो ऐसे सुंदर स्थान में मैं रहती हूँ। मेरा जैसा भाग्यशाली इंसान मैं नहीं सोचती कि कोई होगा। मैं यहाँ पे इतना सुकून महसूस करती हूँ, इतनी शांति महसूस करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं अगर इस नैनी झील के आसपास या नैना मंदिर में आती हूँ ना, काफ़ी देर बैठती हूँ, एक या दो घंटा काफ़ी टाइम स्पेंड करती हूँ अपने बच्चों के साथ, और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ टाइम स्पेंड कर यहाँ ये वो। मैं बहुत देर तक यहाँ बैठना पसंद करती हूँ और अक्सर मैं अपने बच्चों के साथ आते रहती हूँ। अब ज़रूर आइएगा ये सुंदर नज़ारा देखने के लिए अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। आप अगर यहाँ थोड़ा समय भी बिताते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप आइए यहाँ घूमिए, छोटे छोटे प्लेस हैं और बहुत अच्छा लगेगा।
ये सरकार ने कुछ एक्सरसाइज मशीन बना रखी है। हम लोग यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने आते हैं तब हम ये एक्सरसाइज मशीन यूज़ करते हैं। अभी तो मेरा बेटा यूज़ कर रहा है। बस हम यहाँ पर घूमने के लिए, वॉक करने के लिए आते रहते हैं अपने बच्चों के साथ। और काफ़ी एक्सरसाइज के मशीन यहाँ पर है, 2-3 मशीन है। एक तो ये वाला है, काफ़ी टूट भी गए हैं यहाँ पर, ना जाने किन लोगों ने इसे तोड़ दिया। सरकार ने हमारी सुविधा के लिए लगा रखा था लेकिन लोगों ने इसे तोड़ भी दिया। ये दीजिए, ये देखिए नौका, इसे देखिए आप, इसमें बैठकर पूरा झील का नज़ारा ले सकते हैं। सुंदर सा झील का नज़ारा देखिए कितना है, मज़ा आएगा ना आपको इसमें बैठकर। हम तो अक्सर बैठते रहते हैं और अपने बच्चों के साथ घूमते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो ये भी बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।